हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड की। ये डायग्राम है जो आपको समझ में आना चाहिए और ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, आप बिल्कुल ही गलत नहीं करेंगे कभी। और यहां पर आप ध्यान दीजिए, अपर एटमोस्फेयर की विंड्स हैं, राइट। अब आपको जेट स्ट्रीम्स की मदद से मैं समझाऊंगी। आपने पढ़ा भी होगा कई बार कि जेट स्ट्रीम्स को जियोस्ट्रॉफिक विंड से जोड़ा जाता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। Now, आपको पता है वार्म एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ जाती है और कोल्ड एयर बीइंग डेंसर डिसेंड करती है, राइट। वार्म एयर पे आपको पता है लो प्रेशर होता है, कोल्ड एयर पे हाई प्रेशर होता है। ये है हमारे बेसिक्स। बेस्ड ऑन दिस हम हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल बनाते हैं। चलिए, नाउ इक्वेटर पे एयर बीइंग वार्मर ऊपर की तरफ जाएगी, अब ट्रोपोपॉज तक ही जा सकती है। उसके बाद क्या होगा, एयर जो है डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब आप समझिए सिंपल सी बात कि जब एयर इक्वेटर से ऊपर जा रही थी, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा नॉर्मल लैप्स रेट लगेगा, मतलब जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी कोल्ड होती जाएगी, प्लस अब जितना इक्वेटर से दूर होती जाएगी वो भी कोल्ड होती जाएगी। तो देखा गया है कि 30-35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास एयर जो है कोल्ड हो जाती है और हमें पता है कोल्ड एयर क्या करती है, डिसेंड करती है। दोबारा ध्यान दीजिए, यहां से हवा गई ऊपर कोल्ड हो गई, इक्वेटर से दूर गई कोल्ड हो गई, 30-35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास डिसेंड कर जाती है और ये आपका पूरा सेल जो है बन जाएगा, राइट। चलिए, ये है हमारा हेडले सेल। अब पोल्स के पास क्या होगा, ठंडी बहुत है, ठंडी मतलब कोल्ड, हवा डिसेंड करेगी, हवा चलो जी डिसेंड कर गई, फिर हवा पोल से दूर जाने लगती है। अब 60-65 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास देखा गया है। अब आप समझिए, हवा पोल्स पे थी बहुत ठंडी थी, पोल से दूर जाती जा रही है गर्म हो जाएगी और 60-65 डिग्री लैटिट्यूड पे वार्म हो जाएगी हवा, इतनी कि देखा गया है यहां से हवा ऊपर की तरफ जाती है और फिर ये सेल जो है कंप्लीट हो जाता है। दिस इज योर पोलर सेल, राइट। अब समझिए, यहां पे हवा डिसेंड कर रही है यानी हाई प्रेशर, यहां हो जाता है हाई प्रेशर, यहां हवा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है मतलब लो प्रेशर, यहां हो जाएगा लो प्रेशर। अब हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे जाएगी, लो प्रेशर से ऊपर जाएगी और आपका पूरा जो है ये सेल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फेरल सेल। ये आपके तीनों सेल्स बन गए, ये जो हमने डायग्राम देखा था ये आपका बन गया। नाउ यहां पे अब ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है बनेगा। नाउ लेट्स से दिस इज पोजिशन ए, लेट्स से दिस इज पोजिशन बी, है ना। अब सेम गोज फॉर द नेक्स्ट सेल एज वेल। अब एक बात बताइए, आप देखिए ए की तरफ भी हवा आ रही है, बी की तरफ भी हवा आ रही है, फिर हवा नीचे चली जाती है और दो डिफरेंट सेल्स का पार्ट बन जाती है। ये हवा मिक्स भी तो हो सकती थी ना, ये दो डिफरेंट सेल्स का पार्ट क्यों बन गई, क्योंकि दोनों हवा के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं। तो यही होता है कि जब हवा पोजिशन बी से नीचे आके दूसरे सेल का पार्ट बन गई और ए से भी नीचे आके दूसरे सेल का पार्ट बन गई, तो यहां पर क्रिएट हो जाता है वॉइड। उस वॉइड में कभी कभी एयर मास फंस के रह जाता है और उस एयर मास की जो फाइनल मूवमेंट है वो हम जेट स्ट्रीम से जोड़ते हैं। जेट स्ट्रीम है, अपर एयर सर्कुलेशन है, ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं, पर हवा यहां से यहां तक कैसे आ गई यही हमने समझना है। अब इनिशियली क्या होता है, अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन्स है यहां पर आपका जो है वॉइड क्रिएट हो जाता है। यहां वॉइड क्यों क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहां से भी एयर आ रही है, यहां से भी एयर आ रही है, दोनों मिक्स नहीं हो रही, दो डिफरेंट सेल्स का पार्ट है क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। तो यहां पे एक स्टैटिक एयर मास फंस के रह जाएगा, यहां से शुरुआत होगी आपकी जेट स्ट्रीम की मूवमेंट की। यहां भी आप देखिए सिमिलरली, यहां से हवा आ रही है, यहां से हवा आ रही है, तो क्या होगा, हवा दो डिफरेंट सेल्स का पार्ट बन गई, अगेन यहां पर वॉइड क्रिएट हो गया, यहां पर फिर एक स्टैटिक मास अटक के रह जाएगा, लेकिन उसकी ही मूवमेंट है जो फाइनली जेट स्ट्रीम बनेगी। कैसे, और जेट स्ट्रीम है क्या, आपने पढ़ा हुआ है जेट स्ट्रीम भी अपर एयर सर्कुलेशन है, राइट। चलिए समझते हैं क्या होती है। अब हमने पोजीशन ए और पोजीशन बी की बात करनी, अब ध्यान से देखिएगा। नाउ अगर मुझे पोजीशन ए और बी का प्रेशर बनाना पड़े, है ना,
अब सिंपल सा पॉइंट यहां पे जो लॉजिक यूजुअली लगता है वो क्या है कि ए पोजीशन जो है इक्वेटर के पास है, जो चीज इक्वेटर से पास होगी इन कंपैरिजन टू बी, तो इक्वेटर पे क्या होता है, वार्मथ बहुत ज्यादा होती है, तो जो पोजीशन ए के पास है, जो इक्वेटर के पास है, वो भी वार्म होनी चाहिए, दैट मीन्स वहां पे लो प्रेशर होना चाहिए, राइट। इन कंपैरिजन टू दिस, बी इक्वेटर से थोड़ा दूर है तो वो ए के कंपैरिजन में कोल्ड होगा, मतलब कि हाई प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशंस तो हमें यही बताती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके आगे आप क्रॉस लगा दीजिए, ऐसा नहीं। अब क्यों नहीं है, ध्यान देना, मैं हर बार क्लास में ये चीज बताती हूं, जब भी हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन ए की, बिल्कुल सही बात है कि पोजीशन ए इक्वेटर के पास है ना बी के कंपैरिजन में, तो वार्म होगा, बट हम भूल जाते हैं हम अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। नीचे तो हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पोजीशन ए पे वार्म होना चाहिए क्योंकि वो इक्वेटर के पास है बी से, है ना, बी इक्वेटर से थोड़ा दूर है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पोजीशन ए पे वार्म है, बिल्कुल सही है, पर वार्म का मतलब है लो प्रेशर, मतलब हवा ऊपर की तरफ जाएगी, यहां पे हमें अपर एटमॉस्फेयर की बात करनी है, तो नीचे वार्म है, यस नीचे वार्म क्यों है, बिकॉज इट इज क्लोजर टू द इक्वेटर, है ना, अगर मैं इक्वेटर यहां बना दूं, इट इज क्लोजर टू द इक्वेटर, बट नीचे वार्म होने का मतलब है सारी हवा ऊपर जाएगी। आप देखिए यहां पे वार्म पे हवा ऊपर जाती है, यानी सारी हवा ऊपर जाके इकट्ठी हो जाएगी, वार्म से हवा सारी ऊपर जाके इकट्ठी होगी तो बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, अपर एटमोस्फेयर में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, राइट right? क्यों, क्योंकि वार्म होने की वजह से सारी हवा ऊपर चली गई। तो ये जो हमने कंडीशन लिखी थी यहां पे, हमने गलत नहीं लिखी थी, लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये जो है नीचे की लोअर एटमॉस्फेयर की बात थी, अपर एटमॉस्फेयर में कुछ और ही हो रहा है, नीचे वार्म है, सारी हवा ऊपर जाके ऊपर हाई प्रेशर कर देगी, तो यहां पर एक्चुअली लो प्रेशर नहीं आना चाहिए, यहां पर एक्चुअली हाई प्रेशर आना चाहिए। सिमिलरली जो बी पोजिशन थी, बात हम सही कर रहे थे कि दिस शुड बी कोल्ड एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इक्वेटर से थोड़ा दूर है, पर वो लोअर एटमोस्फियर में हो रहा है, यहां पे अगर कोल्ड है हाई प्रेशर पे डिसेंड करती है, मतलब सारी हवा नीचे आ गई तो ऊपर तो बहुत कम हवा बची, तो अपर एयर में क्या होगा, अगर सारी हवा नीचे आ गई, अपर एयर में बहुत कम पार्टिकल्स बचे, अपर एयर में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो ये कंडीशन आप बिल्कुल काट दीजिए, ये जो आपने लिखा था दिस वॉज ट्रू फॉर लोअर एटमोस्फियर, अपर एटमोस्फियर में कुछ और हो रहा है, अपर एटमोस्फियर में यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, राइट right? तो हमेशा यह चीज आपने याद रखनी है, जो ये हमने इमेजिन किया था हम गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन दैट इज फॉर लोअर एटमॉस्फेयर, जब नीचे लो प्रेशर होगा हवा ऊपर जाएगी, अपर एटमॉस्फेयर में बहुत पार्टिकल्स रहेंगे, वहां हाई प्रेशर बनेगा। सिमिलरली जब नीचे कोल्ड होगा सारी एयर डिसेंड करेगी, ऊपर क्या बचेगा, कम एयर, तो सारी हवा नीचे आ गई तो ऊपर कम एयर, ऊपर लो प्रेशर। तो ए और बी पोजीशंस पे अब जो हमने प्रेशर बनाया है वो सही है, क्योंकि हमें याद रखना है दिस इज अप इन द एटमॉस्फेयर जेट स्ट्रीम, तो अपर एयर सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब आप समझ गए, अब हवा कैसे बहेगी, हाई टू लो। सिमिलरली जो है यहां पर भी हवा वुड बी हाई टू लो। अब ध्यान से देखना, दैट मींस हवा कैसे आई यहां पे, हाई टू लो पोजीशन ए और बी, यहां भी हवा कैसे आई, हाई टू लो, राइट, एक तरफ हाई प्रेशर एक तरफ लो प्रेशर, अग्रीड। अब देखो, अब इसको मैं इस पोजीशन में बना देती हूं, ध्यान से देखना, यहां पे तीन सेल्स थे, यहां भी तीन सेल्स हैं, हवा कैसे आ रही है, हाई टू लो, हाई टू लो, राइट। अब इसको मैं एक कोई बना देती हूं, हवा यहां पर है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अभी भी आप देखना ये मूवमेंट शुरू नहीं हुई होती है, अभी तो हम पहले ही स्टेप पे हैं कि वहां पे जो एयर मास था उसकी मूवमेंट वुड बी पोजीशन ए से बी हाई टू लो, और ध्यान रखना ये अप इन द एटमॉस्फेयर अलग ही चल रहा है, राइट। तो क्या होगा, अब यहां पे पोजीशन आ जाती है हाई टू लो, अभी भी जेट स्ट्रीम की मूवमेंट शुरू नहीं हुई है, मैं यही दिखाऊंगी कि जेट स्ट्रीम की मूवमेंट कैसी होती है। तो अब आप समझो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब भी प्रेशर चेंज हो रहा है, हम कहते हैं उसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात होती है, कि प्रेशर बदल रहा है हाई टू लो, चेंज ऑफ प्रेशर हो रहा है, तो वही चीज है यहां पे कि प्रेशर जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो ये हमने हवा बनाई है, ये हवा की यहां पे बात हो रही है।
अब हमें बताएं हवा ऐसे नहीं जा सकती, क्यों? हवा तो डिफ्लेक्ट होगी क्योंकि हवा पे लग रही है कोरियोलिस फोर्स। अब देखिए हवा पे कोरियोलिस फोर्स लगी, हवा बेंड हो गई, बिल्कुल जी हवा बेंड हो गई। फिर कोरियोलिस फोर्स लगी, हवा और बेंड हो गई, राइट? फिर कोरियोलिस फोर्स लगी और हवा इस तरह से आ गई। अब ध्यान से देखना यहां पे, बिल्कुल ध्यान से। यहां पे अगर हम देखें, ये था आपका हवा जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थी, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, चेंज इन प्रेशर। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, इसमें और कोरियोलिस फोर्स में ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल है, राइट? तो इनिशियली जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में कौन सा एंगल है? 90 डिग्री ऑलमोस्ट। एंड देन बेंड होते होते कब हम हवा को जियोस्ट्रॉफिक विंड कहेंगे? जब इनिशियली तो इनमें एंगल 90 डिग्री था, जब इनका एंगल 180 डिग्री पे पहुंच जाएगा और हवा बिल्कुल इस तरह हो जाएगी, तब उसे जियोस्ट्रॉफिक विंड कहेंगे। डू यू रियलाइज कि हवा तो इस तरह थी, क्यों हवा फिर वैसे ईस्ट आने लग गई? क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंटली कोरियोलिस फोर्स लग गई और जब हवा इस तरह आई तब वो जेट स्ट्रीम की मूवमेंट की तरह चली है। तभी तो हम कहते हैं कि जेट स्ट्रीम में हमेशा मियांडरिंग हो जरूरी नहीं है। मियांडरिंग क्यों होती है? क्योंकि इस तरफ आने के बाद भी हवा हाई टू लो मूव करती रहती है, वरना मूवमेंट कैसी है? इस तरह से। तो पेपर में क्या आएगा कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि सेल्स कैसे बने, है ना, ए और बी पोजीशन में फर्क कैसे आया, और हवा जो इस तरह थी वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरह आ गई। तो लिखने के तरीके में क्या आएगा? आपको पता है ये वाली हवा आ गई, अब क्या होगा? देखो ध्यान से, इनिशियली एंगल था 90, राइट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में। अब एंगल क्या बन गया? 180 डिग्री। जब इनके बीच का एंगल 180 बन गया तब हवा इस तरफ मूव करी है। हवा देखो हम पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट आ रही, क्यों आ रही है भाई? राइट, बिकॉज रोटेशन की वजह से कॉन्स्टेंटली उस पर कोरियोलिस फोर्स लग रही है। ये जो हवा आ रही है देखिए यहीं से तो आ रही है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो हमेशा ना आपके लिए एग्जाम में क्या शब्द यूज होगा, अब यहीं से आपको समझ में आ रहा है। देखो जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है वो अपर एयर सर्कुलेशन है, ये सारी अपर एयर सर्कुलेशन थी, बिल्कुल सही। जियोस्ट्रॉफिक विंड पे कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट है, यस। जियोस्ट्रॉफिक विंड कब बनी? इनिशियली तो एंगल 90 था, जियोस्ट्रॉफिक विंड तब बनी जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में 180 डिग्री का एंगल बना। इसके अलावा जो यहां पे शब्द यूज होता है वो होता है व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स बैलेंस ईच अदर तब जो विंड चलती है दैट इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉफिक विंड। तभी तो हम जेट स्ट्रीम को जियोस्ट्रॉफिक विंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अपर एयर सर्कुलेशन है। ये वेस्ट टू ईस्ट क्यों आ रही है? क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंटली कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट लग रहा है, राइट? अब चलिए अपनी एनसीईआरटी की डेफिनेशन पे आते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या थी? अपर एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई विंड, अभी आपने देखा। प्लस देखो दिस इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस। नीचे तो अगर हवा चल रही है फ्रिक्शन हमेशा होगी, अपर एयर सर्कुलेशन में क्या फ्रिक्शन है, इसलिए बहुत तेजी से ये हवाएं चलती हैं। और देखो ये जो है कंट्रोल होती है बाय प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। देखो प्रेशर ग्रेडियंट की भी बात हो गई, हाई टू लो की भी बात हो गई यहां पे, और कोरियोलिस फोर्स की भी बात हो गई। फिर देखो यहां पे द रिजल्टेंट, ये देखो यहां पे एक और चीज देखो, यहां पे आइसो बार्स आर स्ट्रेट। अब आइसो बार्स आर स्ट्रेट क्या होता है? देखो आपने पढ़ा भी है कि आइसो बार्स क्या होती हैं, वो लाइंस जो सेम प्रेशर वाले जोन को ज्वाइन कर रही हैं। अब आप समझिए इसको समझने का एक एग्जांपल क्या है, अपर एयर में कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना, कोई रोड़ा तो बीच में नहीं आ रहा है ना, तो क्या होगा, हवा जो है इजिली जाएगी, बहुत ज्यादा कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा, इसीलिए आइसोबार बिल्कुल स्ट्रेट होता है, राइट? क्यों स्ट्रेट हो रहा है? बिकॉज ऊपर कोई भी ऐसी इंटरफेरेंस नहीं है, राइट? बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट होगा नहीं, बहुत बेर मिनिमम होगा, तभी आइसोबार जो है स्ट्रेट है। और इमेजिन करो आप, अब आप कंडीशन देखो, अगर आइसोबार भी स्ट्रेट है और जियोस्ट्रॉफिक विंड देखो ये भी इस तरह से है, है ना, आइसोबार जियोस्ट्रॉफिक विंड, क्या आपको दोनों पैरेलल नजर नहीं आ रहे? तभी तो कहते हैं कि जो रिजल्टेंट विंड है, जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है, जो बाय द एक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स बनती है, दैट ब्लोस पैरेलल टू द आइसोबार।
अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, मैंने क्या बताया, आइदर 180 डिग्री का एंगल होगा या पेपर में इसकी जगह वर्ड यूज होगा व्हेन बोथ द फोर्सेस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स बैलेंस ईच अदर। और आप देखो यही लिखा हुआ है व्हेन बोथ द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। सारे कीवर्ड्स पता लग गए, एक बार पूरी दोबारा से पढ़ते हैं आपको सारी समझ में आ जाएगी। राइट, द विंड इन द अपर एटमोस्फियर, पूरी विंड सिस्टम जो भी मैंने आपको पढ़ाया अपर एटमोस्फियर, राइट, दिस इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सर्फेस। ऑफकोर्स ऊपर ऐसा कोई बीच में फ्रिक्शन वाला सामान तो है नहीं। इट इज कंट्रोल्ड बाय प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। ऑफकोर्स हमने अभी देखा प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट, when isobars are straight, right? When isobars are straight, हम ये भी समझ गए isobars straight क्यों हैं, and there is no friction, then when pressure gradient force is balanced by the Coriolis force, यही तो बताया था मैंने, when pressure gradient force is balanced by the Coriolis force, जो resultant wind है, that blows parallel to the isobar, the resultant wind finally blows parallel to the isobar। ये देखो यही विंड क्या कहलाती है, जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाती है। राइट, दिस विंड इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द का मतलब समझ में आ गया है। पेपर में गलती तो नहीं होती, यूजली हम इसको रट्टा मार लेते हैं, पर आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। पक्का ही जो है पेपर में अगर सवाल आ गया आप गलत तो नहीं करेंगे। राइट, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। और मैं बता दूं कोपन क्लासिफिकेशन में अगर आपको दिक्कत है तो ये लेक्चर हमने कवर किया हुआ है यूट्यूब पे, जरूर इसे देखें, आपको बहुत मदद जो है मिलेगी। रैपिड रिवीजन के बारे में आप जानते हैं। फी के लिए मैं हमेशा कहती हूं कि घबराना नहीं है, जब भी आप पेमेंट करें कूपन कोड आपसे मांगेगा पेमेंट के समय, आपने मेरा नाम यूज करना है, आप स्पेलिंग देख सकते हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। तो ऐसे ही डिटेल में मिलते रहेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।